यस बेटे, टुडे आवर टॉपिक सेल टैक्स। तो सेल टैक्स क्या होता है, उसके ऊपर आज हमारे क्वेश्चन होंगे। सेल टैक्स होता है बेटे, एक तरह का टैक्स होता है जो हमें गवर्नमेंट के लिए डिपॉजिट करना होता है। अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक टैक्स लगता है और उस टैक्स को बोलते हैं सेल टैक्स। और वो उस थिंग्स के जो भी हमने प्रोडक्ट खरीदा है तो उसकी कॉस्ट प्राइस में उसको प्लस किया जाता है सेल टैक्स को। ठीक है, तो इसमें यहाँ देखें, मैंने यहाँ पे सेल टैक्स की कॉस्ट प्राइस को दो पार्ट में डिवाइड किया है। कॉस्ट प्राइस एक होता है बिफोर सेल टैक्स, बिफोर माने पहले, सेल टैक्स डिपॉजिट होने से पहले, उसके अंदर ऐड होने से पहले। और एक दूसरा होता है, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया वैसे, सीपी बिफोर सेल टैक्स एसटी। इसको हम सीपी विदाउट सेल टैक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने यूज किया वर्ड सीपी बिफोर सेल टैक्स। और अगर टैक्स उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है तो उसको लिखेंगे हम सीपी आफ्टर सेल टैक्स, यानी सेल टैक्स जमा होने के बाद। तो इनको देखें, जैसे हमने कोई शूज खरीदे हैं जिनकी कॉस्ट है 500 रुपीज, ओके, और टैक्स सेल टैक्स रेट है उसका, मान लीजिए 10%, 10% सेल टैक्स के ऊपर। तो उसका आप निकालेंगे पहले टोटल टैक्स, टोटल टैक्स कितना हुआ। तो 10 × 500 अपॉन 100, 20 कैंसिल, 5 × 10 50 रुपीज। तो ये जो 50 रुपीज है ये सेल टैक्स है। तो अब इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी आफ्टर सेल टैक्स, आफ्टर सेल टैक्स। तो क्योंकि हमने 500 के अंदर प्लस 50 रुपीज ऐड कर दिया है तो 550 रुपीज ये जो वैल्यू है ये शूज की, ये आफ्टर सेल टैक्स है। तो हम जो 500 है वो बिफोर सेल टैक्स और 550 आफ्टर सेल टैक्स, यानी ये कॉस्ट प्राइस है सेल टैक्स जमा होने से पहले और ये कॉस्ट प्राइस है सेल टैक्स डिपॉजिट होने के बाद, उसके अंदर ऐड होने के बाद। तो हम यहाँ पे ये टैक्स अलग निकाल के और उसके बाद ऐड करना, इसको हम सिर्फ एक फॉर्मूले से ही डायरेक्ट निकालेंगे। तो इनके लिए आपके फॉर्मूले देखें बेटे, कॉस्ट प्राइस आफ्टर सेल टैक्स निकालने के लिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 100 + सेल टैक्स % अपॉन 100 × CP, और CP कौन सा रहेगा आपका, बिफोर सेल टैक्स, सेल टैक्स से पहले वाला, क्योंकि बाद वाला तो हम निकाल रहे हैं तो पहले वाला रहेगा यहाँ पे। या आपका अपोजिट भी होगा, कॉस्ट प्राइस निकालना हो बिफोर सेल टैक्स से पहले तो उसमें फॉर्मूला रहेगा आपका 100 × 100 + सेल टैक्स % × CP आफ्टर सेल टैक्स। तो यहाँ पर बिफोर वाला होगा तो यहाँ पर आफ्टर, लेकिन अब यहाँ पे प्लस वाला ये 100 + सेल टैक्स नीचे आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले बेटे आपको ज़्यादा यूज होंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, तो इन दोनों को लर्न करना। आपको रेट निकालना हो सेल टैक्स का कितना होगा, तो इसमें रहेगा टोटल सेल टैक्स अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस आपकी बिफोर सेल टैक्स वाली है, और × 100। तो ये फॉर्मूले आपके बेटे इसके अंदर यूज होंगे। अब क्वेश्चन देखें, फर्स्ट एक्सरसाइज 6.4, अब्दुल बाइज 500 पेन एट ए रेट ऑफ ₹2 पर पेन। अब्दुल जो है 500 पेन खरीदता है 2 रुपए का एक पेन के रेट के हिसाब से। तो यहाँ पे 500 पेन है, रेट है एक पेन के 2 रुपीज। तो पहले आप उस पेन की कॉस्ट निकालेंगे, तो 500 की कॉस्ट हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करके 1000। इफ द रेट ऑफ सेल टैक्स इज 8% और रेट है सेल टैक्स का 8%, तो द टोटल अमाउंट यानी सेल टैक्स ऐड होने के बाद वाला होता है, यानी सीपी निकालना है आफ्टर सेल टैक्स पे बिल बाय हिम टोटल पेन्स की। तो कैसे निकालें देखो, नंबर ऑफ पेन्स 500 पेन, कॉस्ट ऑफ वन पेन 2 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 500 पेन 500 मल्टीप्लाई टू 1000,
थाउजेंड्स पेन रुपीज़, तो थाउजेंड्स रुपीज़ हो गए कॉस्ट उसकी पेनों की। अब सेल टैक्स है 8%, इसको आप रेट लिख सकते हैं, रेट सेल टैक्स परसेंट 8%। तो टोटल सेल टैक्स इस तरह भी आप निकाल सकते हैं जैसे दिखा गया था आपको, तो 8/100 मल्टीप्लाई थाउजेंड्स 80 रुपीज, और टोटल कॉस्ट हो जाएगी विद सेल टैक्स, आपको बताया था विद वाला लिखा जा सकता है, तो थाउजेंड्स प्लस 80 इज इक्वल टू 1080 रुपीज। तो ये तो था आपका डायरेक्ट बिना फॉर्मूले से सोल्व किया गया, आप इस तरह निकाल सकते हो। अब देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड, कांता परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर रुपीज 8208 इंक्लूडिंग सेल टैक्स। इंक्लूडिंग का मतलब होता है इसके अंदर सेल टैक्स भी ऐड है, तो ये जो कॉस्ट प्राइस है ये आफ्टर सेल टैक्स के बेटे, सेल टैक्स ऐड होने के बाद की। तो इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज 7600 और उसकी लिस्ट प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस है बिफोर सेल टैक्स, तो देन द रेट ऑफ सेल टैक्स, तो रेट ऑफ सेल टैक्स के लिए आप इसके लिए निकालेंगे पहले टोटल सेल टैक्स यानी कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर आफ्टर सेल टैक्स 8208 और कॉस्ट ऑफ बिफोर सेल टैक्स 7600। तो आपको पहले टोटल सेल टैक्स निकालना होगा, बिफोर में से लाफ्टर में से बिफोर वाला लेस यानी जिसके अंदर ऐड है उसमें से आप कॉस्ट वाला निकालेंगे विदाउट सेल टैक्स वाला, तो इसमें से रहेगा आपका 608 रुपीज। अब रेट ऑफ सेल टैक्स फॉर्मूला बताया गया था, टोटल सेल टैक्स अपॉन सीपी जिसके अंदर बगैर सेल टैक्स वाला वो सीपी और इनटू 100, 20 कैंसिल, अब इसे हम कट करेंगे ये कट हो जाएगा आपका कैंसिल होके 8%, तो 8% आपका रेट आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू, संजू परचेज ए टू व्हीलर फोर रुपीज 43200 विद सेल टैक्स, ये आपका विद सेल टैक्स है, तो विद माने उसके साथ ऐड है, तो ये होगा आपका सीपी आफ्टर सेल टैक्स। तो इफ द रेट ऑफ सेल टैक्स इज 8%, रेट है 8% सेल टैक्स का, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीकल, तो उसकी सेलिंग प्राइस निकालने की कितने का बेचा गया था। तो इसमें देखिए आप, तो देखिए बेटे इसमें कॉस्ट प्राइस ऑफ टू व्हीलर आफ्टर सेल टैक्स यानी सेल टैक्स के बाद की कॉस्ट दे रखी इसमें 43200, सेल टैक्स परसेंट 8%, तो फॉर्मूला रहेगा आपका कॉस्ट प्राइस बिफोर सेल टैक्स से पहले वाले 100/100 प्लस सेल टैक्स परसेंट मल्टीप्लाई सीपी, सीपी कौन सा आफ्टर सेल टैक्स वाला, तब यहाँ पे 100/100 प्लस 8 मल्टीप्लाई 43200, ये हो जाएगा आपका 100/108 मल्टीप्लाई 43200। तो ये आपका पहले 2 से कट करेंगे 27 पे, ये 2 से कट किया 10800, अब 27 से डायरेक्ट 27 4 108 और 20 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 40000, तो स्कूटर की प्राइस रहेगी 40000 यानी टैक्स भरने से पहले उसकी प्राइस थी 40000 रुपये और टैक्स लगने के बाद उसमें ऐड जब टैक्स ऐड किया तो उसकी प्राइस हो गई है 43200। तो बेटे आज आप 2 तक निकालेंगे।